हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब। मानव आरती के रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जो न्यूज़ में निकला है, मानव आरती विश्वविद्यालय के 20 कर्मचारियों ने की उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, पुलिस का दावा। तो पुलिस ने ये बोला है भी जो बीच के ही फैकल्टी थी, 20 कर्मचारी थे, जो उनका नाम तो अभी मैंशन नहीं किया, अभी उन्होंने जो है आंसर शीट्स थी तो उनके साथ जड़ी तो छेड़खानी की थी। तो इसमें बात ये है भी अभी निकले के अलावा क्या है, क्या यूनिवर्सिटी ये खुद ही करती थी? क्योंकि स्टूडेंट्स का तो कोई लागा दागा ही नहीं है इसमें। नो स्टूडेंट्स थोड़ा जाकर उनमें छेड़खानी करता था, वो तो जो बीच की मैनेजमेंट थी या जो भी थी वो ही करती थी, तो उनका क्या है, स्टूडेंट्स का क्या दोष इसमें? तो मेनली ये निकलने वाली है भी फर्जी डिग्री मामले में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तर पुस्तकों से छेड़छाड़ की है। पुलिस का दावा है कि इसमें लेखाकार, लिपिक, प्रवक्ता आदि अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस की विशेष जांच टीम ने फर्जी डिग्री मामले में इन सभी को आरोपी बनाया है, तो इनको भी पार्टी बना लिया गया है। फ्रेंसिक लैब युगा से आई सैंपलों की रिपोर्ट से का खुलासा हुआ है। अब SIT हाईकोर्ट के जल्द आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट पेश करेगा। पहले सप्लीमेंट्री ये होगा, तो अभी फाइनल जो चार्जशीट है, जो इसको चलान बोलते हैं, वो अभी फाइल होगा। और जो फ्रेंसिक साइज FSL रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो भी अभी आ चुकी है। और वहाँ से ये निकला है भी जो 20 कर्मचारी थे उनका भी नाम इसमें भी आ रहा है। सो आगे आने वाले समय में हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है, नाम ऐड होने वाला है, जो भी सप्लीमेंट, वो बात का मैटर है, वो देखते हैं आने वाले उसमें होता क्या है। सो अभी जो कहते थे भी बंद हो रहा है यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, बट ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सो वेट करते हैं इस चीज़ की भी, इन 20 कर्मचारियों के एविडेंसेस क्या बोलते हैं और इनके पास डिफेंस क्या है, और FSL कैसे ये शॉर्ट ही है भी, इनके 20 कर्मचारी यही वाले इनका नाम है, और भी कितने बंदे हैं वो बाद में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वेट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मानव विद्यालय वेट ही करें अभी। थैंक यू।